पूरा चिकन रेडी हो गया था हम लोग को, और ये मिस्त्री साहब लोग अभी खाने के लिए बैठे हुए हैं सब। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है कोर्ट मैरिज कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग खाना पीना खा लिए थे और मेरा पूरा तबीयत ख़राब हो गया है, तो हम आज काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा बिल्कुल काम छोड़ दिया। तो मालिक मार्केट से चिकन लाने के लिए बोले हुए हैं, कुआँ वाला के लिए, तो हम चिकन लाने के लिए जा रहे हैं। शक्ति अभी यहाँ पे बोल रही थी कि खाना बनाएंगे, मालिक बोला हुआ था खाना बनाने के लिए, और झोपड़ी दूसरा भी बनाना होगा, इधर का तो हो गया, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जुड़ाई कर दिए, और वहाँ साइड साइड में गैप है, यह सबको भरना होगा मसाला। तो अभी नहीं भरेंगे, पूरा एकदम माथा दर्द कर रहा है, पैर हाथ पूरा दर्द कर रहा है, इसीलिए छोड़ दिए। ये वाला को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, और उधर वाला को भी पूरा कंप्लीट कर दिए, और यहाँ पे ईटा भी ख़त्म हो गया, ताकि मेरा से अकेले नहीं ना होगा, इसीलिए छोड़ दिए। नो लंबा वाला बचा हुआ है, तो अभी उधर जाने के लिए बोले हुए हैं। मस्त एकदम हुक लगा दिए यहाँ पे, पूरा हुक लगा दिए यहाँ से वहाँ ले करके, और ये वाला भी जुड़ाई कर देना। हम खाता खोले हैं, वो वाला भी आया हुआ है, तो फ़ोन किए थे कल, तो बोल रहा था कि बंद है, इसीलिए आज लाने के लिए जा रहे हैं। और शक्ति अभी बैठी हुई है, आम खा रही है, और हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं। हम बैंक से निकल गए और पासबुक ले लिए, और यहाँ पे ऑटो का इंतजार करते हैं, अब कब तक ऑटो आएगी, उसके बाद वहाँ पे मार्केट में चिकन ले लेंगे और फिर चलेंगे। तो हम अभी मार्केट में पहुँच गए हैं, और इधर से होकर के जाना है चिकन दुकान, तो हम अभी जा रहे हैं। और इधर साइड साइड में पूरा कपड़ा वाला दुकान लगे हुए हैं, पूरा इधर मार्केट का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, वो साइड में पूरा कपड़ा का दुकान है। तो जल्दी से जा कर के पहले चिकन लेंगे, उसके बाद फिर इधर थोड़ा सा घूम लें और कुछ सब्जी भी ले लें। पूरा इधर साइड साइड में सब्जी लगा हुआ है, वहाँ से लेकर के इधर तक पूरा इधर लगा हुआ, इधर भी पूरा सब्जी का दुकान, इधर चप्पल का दुकान, इधर शर्ट उट का दुकान है, पूरा एकदम चकाचक पूरा मार्केट अभी भीड़ है। और इधर साइड में, साइड साइड में पूरा मुर्गा का दुकान, देसी चिकन, देसी मुर्गा। और इधर आयुर्वेदिक दवा, और इधर चिकन का दुकान है उधर में, तो वहीं पे हम अभी जा रहे हैं। अभी पहुंच गए हैं चिकन दुकान में, उधर भाई को बोलते हैं कैसे केजी चिकन है। हम वहाँ से निकल गए चिकन दुकान से, और ज़्यादा रेट बोल रहे हैं, वहाँ तो लोकल में 160 रुपया दे रहे हैं, और यहाँ मार्केट में भी 160 बोल रहे हैं, इसीलिए उधर एक तो मालिक को फ़ोन किए हुए थे, तो बोला कि गोदाम है, तो गोदाम में जा करके लेने के लिए, तो हम अभी जा रहे हैं इधर से। और इधर पूरा सब्जी का दुकान है, और 100 ग्राम आदि ले जाने के लिए बोले हुए हैं, तो ले जाएंगे। इधर साइड साइड में पूरा सब्जी का दुकान है, तो यहाँ पर से हम अदरक ले लेते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, तो ले लेते हैं 100 ग्राम, मालिक अभी बोले हुए हैं, तो लेने के लिए जा रहे हैं। 100 ग्राम अदरक का कितना दीजिए, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम ले रहे हैं, 20 रुपया। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। इस भैया से धनिया और अदरक 100 ग्राम ले लिए, और अब चल दिया मुर्गी का गोदाम में, वहाँ पे चिकन गोदाम है, वहीं से ले जाने के लिए बोले हुए हैं, तो हम अभी जा रहे हैं। और इधर भी पूरा सब्जी का दुकान लगा हुआ है। हम फिर से अभी मार्केट में घुस गए हैं, और झोली ले लेंगे, क्योंकि मेरा पास झोली लेकर के नहीं आए हुए थे, तो झोली ले लेंगे एक तो, उसके बाद फिर चलना होगा, क्योंकि ये वाला हाथ में सब पूरा है, इसीलिए झोली ले लेते हैं। और चिकन भी ले जाएंगे तो झोली नहीं रहेगा, तो कैसे ले जाएंगे, इसीलिए एक तो यहाँ पर से झोली खरीद लेते हैं, छोटा झोली ले लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तो हम यहाँ से झोली ले लिए 10 रुपया का, और अब चल दिए। चिकन दुकान में पहुँच गए हैं, और चिकन यहाँ पे तोल दिए भैया, अब झोला पर ढो करके चलते हैं। तो हम घर पहुँच गए, और यहाँ पे मुर्गा सब सब साजे हुए हैं, शक्ति इधर चावल देख रही है, काला हो गया है, इसीलिए चावल देख देख के बनाएगी खाना, और वही सबको कुआँ वाला को चिकन पार्टी आज देंगे, इसीलिए चिकन मालिक बोले हुए थे, तो यहाँ पर अभी रख देते हैं घर में। तो हम काफ़ी देर तक आराम कर लिए थे, और ये वाला को पानी मार दे रहे थे,
ऊपर वाला पानी नहीं मारे हुए थे सुबह में, तो पानी अभी मार दे रहे हैं और अभी जा रहे हैं पानी ले आने के लिए। तो कुआं वाला बाल्टी ले गए हैं, तो बाद में अभी मार देंगे, एक बाल्टी मार दिए और अभी आ करके ले गए डिब्बा। तो हम घर से निकल गए और जा रहे हैं आम लाने के लिए, थोड़ा सा लाएंगे 10-20 गो आम तोड़ करके लाएंगे और अचार बनाएंगे। और मालिक का घर इधर से कुछ इस प्रकार से दिखता है, काफ़ी सुंदर है, इस प्रकार से है और पूरा एकदम साइड साइड में जंगल है, पूरा ही अच्छा जगह में घर बनाए हुए हैं। और कितना अच्छा अभी दिख रहा है, प्लास्टर हो जाएगा वो समय और अच्छा दिखेगा, कह जी सकते हाँ, ये वाला और भी अच्छा दिखेगा। और साइड साइड में पूरा पेड़ पौधा है ना, अच्छा दिख रहा है, और आगे साइड से और अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा झोपड़ी है आगे इसीलिए नहीं दिखता है। तो झोपड़ी को इधर ला करके शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग उधर अभी आम तोड़ने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे गाछ पर पंखा आराम से लटका देंगे और नीचे में यहाँ खाटी लगा कर सोएंगे। बाद में अभी लाइन का सुविधा वैसा नहीं है और घर का ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक तो यहाँ पे पंछी बैठा हुआ था, तो ये शक्ति बोल रही है जंगली मुर्गी है, तो इतना छोटा छोटा जंगली मुर्गी का अंडा नहीं रहता है और थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, और अभी उड़ करके उधर चल गई पेड़ का पास में। हम तो पकड़ने वाले थे ना, ऐसे पकड़ने के लिए गए तो उड़ गया। हाँ, पक्षी का अंडा को हम लोग कुछ नहीं कर दिए, वहीं पे छोड़ दिए और छू भी नहीं दिए, क्योंकि छू देने से फिर यहाँ पर आ करके नहीं बैठेंगे, इसीलिए छोड़ दिए। वो भी सोचेगी ना कितना इन लोग दुश्मन है जो मेरा अंडा को मेरे बच्चा को ले गया, इसीलिए हम लोग नुकसान नहीं किए और छोड़ दिए वहाँ पे, बाद में बच्चा फरेगी और ले जाएगी। और उधर अभी मालिक का बच्चा सब पूरा इधर आए हुए हैं और आज पूरा कुआं कंप्लीट हो गया, इसीलिए बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो उधर पेड़ के सामने खेल रहे हैं। तो हम लोग उधर से आम तोड़ करके आएंगे, उसके बाद शक्ति का साथ में जा रही है और इधर आएंगे उधर से और पानी पटा देंगे। चलिए अभी जा रही शक्ति का साथ में, और इसीलिए बच्चों का आवाज़ आता है और आप लोग कमेंट करते हैं कि बच्चा का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो इधर खेलने के लिए आ जाते हैं तो वही सब हल्ला करते रहते हैं। और छोटा छोटा बच्चा है लेकिन सब उधर है, सब उधर अभी खेल रहे हैं और हम लोग इधर जा रहे हैं अभी आम खाने के लिए। तो हम लोग आम का पेड़ जगह पहुँच गए हैं और ऊपर में इतना सारा आम फरा हुआ है, तो वही सबको झाड़ करके ले जाएंगे, अभी खाने भर तोड़ लेंगे और छोड़ देंगे, उतना हम लोग नहीं तोड़ेंगे, 2-3 ठो तोड़ेंगे और उसको खाने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि अभी कुहू है वो आठी नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं ले जाएंगे, छोड़ देंगे। और मथरे हुए हैं यहाँ पे पूरा मिर्चा दिए हुए हैं और नमक दिए हुए हैं और दोनों अभी बैठ करके छाँव में खाते हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए खा रहे हैं। तो हम लोग का खाना घट जाएगा, इसीलिए शक्ति अभी ये चावल में जितना काला काला है वो सब निकाल रही है, क्योंकि सूप नहीं लेकर के आई हुई थी, इसीलिए हाथ से बीछ रही है, इधर पूरा बिछा हुआ हो जाएगा, उसके बाद उधर खाना बनाने के लिए जाएगी। लोग यहाँ छाँव में बैठे हुए थे और यही सब चावल सब को बीछ रहे थे, तो ये वाला बिछा हुआ हो गया। तो हम आ गए यहाँ पे चिकन बनाने के लिए, ये चिकन को पूरा अच्छा तरीका से बना करके धो दिए हैं और इधर भी रखा हुआ है और इधर अभी चला रहे हैं, कुआं वाला मिस्त्री बना रहे हैं चिकन को बना रहे हैं, यहाँ पे अभी प्याज भून रहे हैं और उधर चिकन रखा हुआ है, यहाँ पर मसाला कूट करके लाए हुए और इधर लहसुन छोड़ा रहे हैं। मिस्त्री भाई बना रहे हैं चिकन को और हम इधर जा रहे हैं, कुआं नहीं देखे हुए थे इसीलिए देखने के लिए जा रहे हैं, और आज पूरा फाइनल कर दिए हैं, ढलाई भर नहीं किए हुए हैं, तो ढलाई कल आ करके कर देंगे। और हम कुआं के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे ज़मीन लेवल कुआं का काम पूरा हो गया, एकदम पानी पूरा गंदा हो गया, पीने के लायक भी नहीं बचा, तो ये सब पानी को मशीन से निकालना होगा, निकाल करके फिर से अच्छा पानी भर जाएगा और कुआं कितना अच्छा से
पूरा बनाए हुए। हम इधर देख लिए और अभी फिर से चल दिए चिकन बनाने के लिए। और उधर बहुत सारे आदमी हैं, कुआं वाला सब हैं, बैठे हुए हैं। सुबह ही में आए हुए थे 7 बजे, इसीलिए 4 बजे छुट्टी कर दिए और खाना भी नहीं खाए हुए थे इसीलिए। से हम घर में पहुंच गए हैं और इधर हल्दी डाल रहे हैं और मसाला को तो डाल दिए। अब इसको अच्छा तरीका से भून रहे हैं। और मिस्त्री साहब हल्का सा पानी डाल दिए क्योंकि नीचे में लटक रहा था। और मसाला भी अच्छा तरीका से एकदम भून रहे हैं पूरा। और आग भी इधर पूरा जल रहा है, काफ़ी अच्छा आग जल रहा है, पूरा एकदम मस्त से अभी भून रहे हैं। इधर अभी चिकन डाल दिए और पूरा अच्छा तरीका से चला रहे हैं। और आग थोड़ा कम हो गया आँच, तो इसको अच्छा से अंदर में कर देते हैं। हम कर दिए और जलने लगा और इधर पूरा अच्छा तरीका से चला रहे हैं। पूरा ज़्यादा चिकन है इसीलिए चलाने का अच्छा से नहीं हो रहा। और चिकन पूरा हम लोग का अच्छा तरीका से बन गया और क्या ही एकदम सुंदर मिस्त्री साहब बना दिए। पूरा रेडी हो गया हम लोग का और काफ़ी एकदम गर्मी दे रहा है। पूरा चिकन रेडी हो गया, धनिया पत्ता इधर काट रहे हैं और इधर हम चला दे रहे हैं। नीचे में लटकेगा नहीं इसीलिए और धनिया पत्ता को डाल दे रहे हैं। पूरा धनिया पत्ता को डाल दिया और MDH क्योंकि भूल गए इसीलिए नहीं लाए हुए थे। थोड़ा सा धनिया पत्ता को मिक्स करके अब उतार देंगे। पूरा चिकन रेडी हो गया था हम लोग को और ये मिस्त्री साहब लोग अभी खाने के लिए बैठे हुए हैं सब और खा रहे हैं अभी। हम लोग का अलग से मालिक साहब यहाँ पे खाना ला दिए और हम लोग भेज दिए। और वहाँ पे हम लोग नहीं खाए क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे आदमी था और शक्ति वहाँ पे कैसे खाएगी, इसीलिए हम भी वहाँ पे नहीं खाए। यहाँ पे फिर मालिक अभी ला दिए हैं, चिकन को दिए हुए हैं और दाल दाल भी। और शक्ति थोड़ा सा खाना खा रही है, ये बोल रही कि हम मेरा पेट भर गया है, आम खाई हुई थी तो बोले पेट भर गया है तो इसको बोले थोड़ा सा खा लो, इसीलिए थोड़ा सा दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं। लोग यहाँ पे दोनों बैठ करके खाना चालू कर दिए और एक तो चिकन खा के देख रहे थे, काफ़ी सुंदर एकदम बनाए हुए। तो हम लोग खाना पीना खा करके रेडी हो गए और शक्ति उधर पानी लाने के लिए गई हुई थी तो पानी ला करके दे रही है, धो लेंगे। तो दोस्तों हम लोग खाना पीना खा के पूरा ख़त्म कर लिए हैं और बर्तन भी धो लिए हैं हम, थाली जो हम लोग खाए थे वाला। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों।